ऑक्सीजन स्टेट ऑफ बोरोन इसमें इस दिन पर्टिकुलर कंपाउंड बेटे हाइड्रोजन की -1 है, हाइड्रोजन की -1 है इनटू 4, बोरोन की एक्सेज्यूम करो और इसकी +1। नाउ यू विल बी गेटिंग +3। रिमेम्बर इसी मैंने दिए, इस कंपाउंड के बोरोन की और हाइड्रोजन की कैन बी गेट वेरिड डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड, इट इज +3 रादर देन +5। आई एम ऑल्सो गेटिंग द आंसर -5, -5 तो हो ही नहीं सकता बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है H2S2O7 में व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर। हरी अब सो अज्यूमिंग इट 2X+2 -14, सो इट विल बी 2X-12 = 0। देन 2X12 then x will be +6। अब ये कभी ना भूलना कि बोरोन की बेटे +3 होती है सोडियम बोरोहाइड्राइड में, इट इज नॉट +5 और -5। सो नेट लेट अस स्टार्ट नाउ बैलेंसिंग। आपको ऑक्सीजन स्टेट के बारे में पता चल गया, वी आर स्टार्टिंग विद द बैलेंसिंग इन विद द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। So the equation is this: MnO4 negative plus sulfur dioxide giving you Mn2 positive plus HSO4 negative। जब भी हमने बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असाइन द ऑक्सीजन नंबर। ठीक, सो व्हाट इज द ऑक्सीजन नंबर ऑफ मैग्नीज इन दिस पर्टिकुलर आयन? एक्स इज इक्वल टू X+-8, अगेन 4 × -2 विल बी -8 इज इक्वल टू, ये चार्ज होता है इक्वल टू करते हो -1, अगर चार्ज नहीं है तो इट विल बी 0। तो एक्स विल बी +7, तो मैग्नीज इज +7, मैग्नीज इज +7। सो व्हाट द पॉइंट नाउ? सल्फर, सल्फर बेटे अज्यूम एक्स, दिस ऑक्सीजन इज -2 एंड देयर आर टू ऑक्सीजन, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 4। तो एक्स इज इक्वल टू +4, ओके, नंबर ऑफ सल्फर इज +4। द मैग्नीज वी कैन सी, नाउ व्हाट इज ऑक्सीजन नंबर हियर? सो अज्यूमिंग एक्स ++1 एंड हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन का क्या है -8, देयर आर 4 इज इक्वल टू -1, तो एक्स विल बी ये कैंसल आउट हो गया, इधर से इधर चला गया। ठीक, कितना आ गया हमारा? हाँ जी, यस, तो इस +6, ओके, सो वी आर गेटिंग +6। नाउ वी हैव टू डिवाइड बेटे इन द टू रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। सो दिस इज गोइंग फ्रॉम +7 to +2, मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। When oxidation number is getting decreased, then there is reduction.
एंड कितने से डिक्रीज हो रहे हैं, इट इज प्लस 7, इट इज प्लस 2, तो मींस 5 से डिक्रीज हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग बाय 5, प्लस 7 से कहां जा रहा है, प्लस 2, ठीक। देन प्लस 4 से द सल्फर इज प्लस 4, देयर सल्फर इज प्लस 6, इट इज इंक्रीजिंग, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 2, ओके। यहां पे क्या होती है, देयर इज अ ऑक्सीडेशन, देयर इज ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले वी हैव टू गिव ऑक्सीडेशन नंबर, देन वेयर इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन देयर इज अ ऑक्सीडेशन, एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देयर इज रिडक्शन। आफ्टर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर यू हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, नाउ डिवाइड द टू हाफ सेल, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो लेट अस डिवाइड इट, आई एम इरेजिंग एज आई नीड द बोर्ड, सो आई एम डिवाइडिंग इट। सो आई हैव ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल यू कैन सी पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 6 जा रहा है, दिस इज आवर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एंड व्हाट इज आवर रिडक्शन हाफ सेल, दिस इज आवर रिडक्शन हाफ सेल। ओके, आफ्टर डिवाइडिंग बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल वी हैव टू ईदर रिमूव और एड द इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग विद ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आई एम राइटिंग दिस ऑक्सीडेशन हाफ सेल हियर, that is SO2 giving us HSO4 negative. We have to balance. जब आप ऑक्सीजन हाफ सेल लिख रहे हो तो सबसे पहले आपने यू हैव टू बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वी आर सीइंग दीज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन सल्फर हैज गोन ऑक्सीडेशन बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 मीन्स पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 2 गई, मीन्स इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और रिमूव हुए, देयर इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, देयर इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन व्हेन ऑक्सीडेशन इज अकरिंग, व्हेन द सल्फर इज गोइंग from SO2 to SHO4 negative, there is increase in oxidation number by positive 2, thus there is removal of electron by 2, okay, remove kar diye. Ab next step hamara aata hai bete, we have to balance negative charge here and positive charge there. Negative charge hamare total kitne si on right hand side, see how many negative charges are there, there are total 2 electrons here and 1 negative charge here, jitne negative charge aaye utne hydrogen add kar dene, jitne negative charge aaye utne hydrogen add kar dene, simple, okay. After adding hydrogen bete, you have to add water on this side. And now how many water you will add? Generally, we will have this H positive and write water. Magar yahan pe 3H positive hai. So total H nikal lo, 3H le re, 1H le re, there are 4H. 4H ka half kya hai? There will be 2 water molecules. Ab dekhe, isse hame oxygen hamari balance hui, हाइड्रोजन तो होगी, ऑक्सीजन हुई, देर आर हाउ मेनी ऑक्सीजन, टू हियर देर आर टोटल 4 ऑक्सीजन, सो देर आर 4 ऑक्सीजन हियर ऑन,
our oxidation half cell is balanced now. Now we will move towards the reduction half cell. The reduction half cell was this one. The Mn positive goes from plus 7 oxidation state to plus 2 oxidation state. Now Mn is already balanced. Oxygen हमने देख ली है अभी. We have to balance first the element other than oxygen. So it is already balanced. It is moving from plus 7 to plus 2 means इसका oxidation number decrease हुआ. कितने से? 5 electrons से. Means इसमें 5 electron add on. You will add on 5 electron here. Okay? Now we will see how many negative charges present on this side. How many negative charges present? 5 electron here, 1 negative here, total 6 negative. So you will add on 6 H positive on this side. 6 H positive on this side. Getting my point? Now after adding 6 H positive on this side, you will add half of the number of water. Let us add half. Means 6 H positive है, तो 3 water हमने add कर दी. क्या equation balance हो रही है? Just see कितने hydrogen है, 6, तो 3 2s are 6. कितने oxygen है? There are 4 and there are 3 oxygen. They are not balancing. They are not balancing, है ना? There are not balancing. तो हमने क्या करना है आप? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि you have to see here negative charge, 6 negative charge है, and this 2 positive charge भी हमने balance करने के लिए 2 H positive और add करेंगे. So now adding 4 water. It is balancing. And getting the point, bete? You have to see negative charge here. We have put 6 H positive here. Then we have dropped 3 water here. But then we have to find. Abhi bhi humare kya missing hai? This positive charge is not balanced. तो हमने इन 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए 2 एच पॉजिटिव और डाल दिए. तो टोटल 8 एच पॉजिटिव डाले और हमारे पास यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ वाटर डाल दी, दैट इज 4 वाटर. ठीक. आई एम मूविंग स्टेप बाय स्टेप बेटे. आफ्टर यू आर कमिंग टू स्कूल एंड आई कम टू नो हाउ मच यू आर लर्निंग, सो मूविंग स्लोली नाउ. Getting my point? So totality, you have to see total positive negative charge here and total positive charge here. Okay? Or directly you can see. Or नहीं होता तो you can यहाँ ऐसे भी कर सकते हो आप. Getting my point? Say yes or no. रिमेंबर जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डालोगे उसी तरफ एच पॉजिटिव ऐड करने हैं. और कितने एच पॉजिटिव ऐड करने हैं? जितना इधर नेगेटिव चार्ज हो पहले, देन हमने ये देखना है इस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है. इफ देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज देन वी विल ऐड ऑन मोर एच पॉजिटिव. गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ द इक्वेशन रिडक्शन हाफ सेल इज बैलेंस्ड. नाउ रिडक्शन हाफ सेल को ये ऐसे ही रहने देते हैं एंड जो हमने ऑक्सीजन हाफ सेल में किया था वो फिर से हम लिखते हैं. तो टोटल हमें वी आर गेटिंग 8 एच पॉजिटिव हियर एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हियर. एंड व्हाट वाज आवर ऑक्सीजन हाफ सेल? दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस
water which give HSO4 negative and 3H positive and 2 electrons. This was our oxidation option. Now we have to see next step. Again, next step we have to see कि ये जो इलेक्ट्रॉन गिवन है ये कैंसल आउट हो जाए. दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल्ड आउट. दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल आउट. कैसे होंगे कैंसल आउट? हरी अब देर आर टू इलेक्ट्रॉन हियर, देर आर फाइव इलेक्ट्रॉन हियर. देर आर टू इलेक्ट्रॉन हियर, देर आर फाइव इलेक्ट्रॉन हियर. टू इक्वलाइज दिस इलेक्ट्रॉन वी विल मल्टीप्लाई बाय फाइव and you will multiply by 2. You will multiply by 5, you will multiply by 2. Now 5 2s are 10, 5 2s are 10. So ye idhar 10 hai, ye bhi cancel out aur ye bhi cancel out. Okay, ab how many H positive will be there now here? A 2s are 16 H positive. And here, humne kitne se multiply kiya? 5. 5 3s are 15 H positive. Here are it is 16. Here are 15. You haven't to write it. Theek? Then, if I am talking about water, water, 5 2s are 10 water, 2 4s are 8 water. Okay? So, हमारे यहाँ पे 16 H positive है, यहाँ पे 15 है. यहाँ पे कितने H positive रह गए? 1. So, end में you will write H positive plus 2 multiply by MnO4 negative, 2 MnO4 negative plus इन दोनों को add करना है, plus sulfur dioxide plus यार कितने water है? 10 water. इस तरफ कितने? 8. अगर 8 इधर है, 10 इधर है, तो we can write here 2. giving us how many Mn2 positive? 2 Mn2 positive. How many H5? 5 HSO4 negative. Okay, so the hence equation is balanced. Now you got how to balance the equation in the acidic medium. Okay? You have to first balance oxidation of cell. Bete exam mein jo last exam hue the, you have balanced the equation, but you are balanced like this ki humne answer likh diye. Ya humne ek ek step nahi show kiya tha. You have to write one each step. So you have to write first oxidation number. Then which species is being oxidized, which species is being reduced, then balance oxidation half cell and then balance reduction half cell, then add on them cell. While adding you must see electrons is cancel out, is cancel out, electron is cancel out. Okay, you have to see this. Then you have to cancel out H positive and water. अगर यहाँ पे 16 H positive है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा. ओके? क्योंकि आप खुद देखो, अगर हम इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो ये माइनस में आएगा. 16 माइनस 15. ओके? अगर मैं ये वाटर को इस तरफ ले आऊं, इस तरफ, इस तरफ राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 विल बी 2.
अब इससे we will practice now acidic half cell. We have covered today acidic. You will practice it, and we will start with the basic tomorrow. So I am ending the meeting now.